संस्कृत भाषा जो है सम उपसर्ग त्रिधातु और सम उपसर्ग त्रिधातु और लिट प्रत्यय से मिलकर बनी है। इसको संस्कृत भाषा को व्याकरण का रूप देने का कार्य महर्षि पाणिनि जी ने किया है और संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया था। संस्कृत वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, जिसे हम संस्कृत सूत्रों में स्वयं राजन्ते इति स्वरः के नाम से जानते हैं। इस स्वर को तीन भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और कुल स्वरों की संख्या 9 है, जिसमें स्वरों की संख्या हमारी आ ई उ री ली, ये हमारे जो हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हीं स्वरों का जब हम दीर्घ रूप ले लेते हैं, जिसमें हम दीर्घ रूप और संयुक्त, दीर्घ प्लस संयुक्त स्वर, दीर्घ और संयुक्त को मिला करके वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 8 हो जाती है। जहां पर जब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर हमारा दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये हमारे मूल स्वरों के दीर्घ हैं। उसके बाद ए, ए, ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या मिला करके संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कुल मिला करके 8 हो जाती है। तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है वो दो वर्णों के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, जैसे हे राम, हे राम हो गया, और ओम के लिए। प्लुत स्वर का चिन्ह हम हिंदी अंकों के 3 से प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह जो है 3 हिंदी अंकों के 3 में लिखा जाता है। इस तरह से ये हमारे स्वर रहे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 8, दीर्घ और संयुक्त स्वर को मिलाकर इनकी संख्या 8, ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या 5, प्लुत स्वर आपके हैं। लेकिन हम जो है ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वरों को जोड़कर ही स्वरों की संख्या 9 ही मानते हैं, जिसमें 5 हमारे ये हो जाते हैं, 5 ह्रस्व स्वर, 4 हमारे संयुक्त स्वर, 4 संयुक्त स्वर, इनको मिलाकर हमारी संख्या 9 हो जाती है। इसलिए स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर रहा, स्वर रहा, व्यंजन। अब व्यंजन की बात करें, तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में कुल 42 वर्णों का प्रयोग किया गया है। 42 वर्णों में 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इन 9 और 33 को मिलाकर कुल संख्या 42 हो जाती है। व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 9। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है और संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो संपूर्ण वर्ण जो होते हैं
वह 42 माने गए हैं जो पाणिन की व्याकरण शास्त्र के अनुसार है, जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक भी मानी गई है। उसके आधार पर कुल वर्णों की संख्या 42 दी गई है। अब बात रही व्यंजन की, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन को हम मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं, जिसमें तीन भागों